Good morning, 6th class. I hope you all are fine. So, today's class is English 2 class. Okay, so what we will have to do, we will revise the chapter number 11, Handful of Salt. And in this chapter, I have given you some extra questions. I have given you 6 questions. Okay, and these questions you will have to write in your notebook with answers. Okay, these all 6 um, questions are out. from the back exercise okay so uh, how will you uh, find the answer of these questions you will have to read that chapter again chapter number 11 handful of salt okay then after that you will get to know कि how you will answer these questions okay so आप सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले chapter number eleven handful of salt को अच्छे से read करेंगे read करने के बाद नहीं यू विल get to know कि हाँ आपको uh, कौन से question का कैसे answer करना है ओके सो इट विल भी वेरी इजी फॉर यू एंड एज़ यू नो दैट यू हैव डन द चैप्टर टाइस और थ्राइस ऑफ द टाइम ओके सो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अच्छे से देन आफ्टर दैट थोड़ा जो चैप्टर है उसको समराइज़ कर दूंगा दैन इट विल भी ईजी फॉर यू टू राइट टू फाइंड द आंसर्स ओके ये आपको आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और सबसे uh, ऊपर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम नंबर मेंशन करना है देन आफ्टर दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखना है देन यू विल राइट द आंसर्स ओके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप वाई डिड धानी एंड गोकुल क्लाइम अप द टॉलेस्ट पीपल ट्री कि जो धानी एंड गोकुल हैं वो पीपल के सबसे जो टॉलेस्ट जो पीपल ट्री था उसके ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं सबसे ऊपर चढ़ जाते हैं वो ठीक है तो क्यों चढ़ जाते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड गोकुलन धानी कैरी चपाती एंड बनाना विद गोकुल गोकुलन धानी ने अपने साथ चपाती और बनाना क्यों लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डज धानी से ही क्लेवर इज एंट ही बापू जी सो धानी ये वाली बात क्यों कहता है कि जो बापू जी हैं वो क्लेवर हैं है ना वो चालू हैं चालाक हैं ठीक है तो ऐसा वो क्यों कहता है इवन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर

कि जो बापूजी हैं वो uh, नेशन को इस राष्ट्र को मिलाना चाहते हैं एक करना चाहते हैं बाय मेकिंग सॉल्ट ओके सॉल्ट बनाकर ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वाई द डांडी मार्च वॉज अंडरटेकन सो क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स इज क्वाइट सिमिलर बट यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सिक्स इन योर ओन वर्ड्स इसमें यह है कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि जो डांडी जो मार्च है वो क्यों किया गया ऐसा क्या रीज़न था क्या रीज़न था इसके बिहाइंड मतलब इसके पीछे क्या रीज़न था कि जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने डांडी मार्च किया ओके सो दीस और सिक्स क्वेश्चन यू विल हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड एज यू नो दैट कि ये चैप्टर आप पहले से ही कर चुके हैं सो यू कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू बट इफ़ यू स्टिल इफ़ यू विल स्टिल फेस प्रॉब्लम इन दिस इन दीज क्वेश्चन दैन यू कैन आस्क मी ओके सो आज के लिए फिलहाल इतना ही आपको पता है कि इस चैप्टर बहुत बहुत ईजी चैप्टर है ठीक है और जब दो तीन बार कर लिया होता है तो हम पॉलिश हो जाता है माइंड कि येस नाउ वी कैन डू द आंसर्स ओके सो दैट्स हाउ यू विल हैव टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन ओके सो टेक केयर एवरी वन